अब तक आपने देखा कि किस प्रकार सुदामा की सहायता से दौलत खान रामा का अपहरण करता है ताकि महाराज को मारकर विजयनगर पर अपना वर्चस्व कायम कर सके। सुदामा और उसके साथियों की मंशा जानकर रामा वहां से निकलने की युक्ति लगाता है और दौलत खान को चुनौती देता है और दौलत खान ऐसा षड्यंत्र रचता है कि अगर रामा विफल हुआ तो सदैव के लिए उसी कक्ष में फंस जाएगा, किंतु रामा इस चुनौती को स्वीकार करता है। अब आगे मुझे चुनौती स्वीकार है। बहुत खूब, एक बात याद रहे, अब जब तक यह दरवाजा नहीं खुलेगा ना तो तुम्हें पानी मिलेगा और ना ही खाना। हमें कुत्ता का पक्का, इन्हें मेरी योजना का पता चल गया है, मुझे कुछ करना होगा। अभी बताते हैं तुम्हें बताते हैं, मूर्खों नालायकों, मार डालेंगे। क्या बात है, कुछ और बोलना चाहते थे? क्या बोलना चाहते थे? महत्वपूर्ण बात बोलना चाहते हो? अरे ठीक, बताओ, हम तुम्हारी पट्टी खोल देते हैं। मुन्ना, मुंह बंद होने पे क्या क्या बोल रहे हैं? मुंह खुला तो पता नहीं कितना मिथ्यालाप करेंगे। हाँ? कपटियों, पाखंडियों, हमारे समक्ष हमारे ही भाई का अनादर। इनके मुख के साथ साथ इनको भी काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए। चलो चलो। इन दोनों को तब तक बाहर निकलने मत देना जब तक इनकी बुद्धि ठिकाने ना आ जाए। उचित है ना? अब सरो अंदर गधो। लो, हो गए ये सदा के लिए बंद। अब तुम्हें इनकी खातिरदारी नहीं करनी पड़ेगी। अब तक जाकर पता करके आओ ये सुदामा क्या कर रहा है। अन्ना, हमने तो सारा सामान लिख दिया है, जो चाहिए वो भी और जो कभी नहीं चाहिए होगा वो भी। आप भी दो चार बड़े सामान जोड़ दीजिए सूची में। लीजिए अन्ना, हम तो हर सामान में आर्यभट्ट आविष्कारित शून्य शून्य जोड़ देंगे। शून्य? हाँ शून्य। तुम प्रत्येक सामान की मात्रा के आगे शून्य बढ़ा दो। हर सामान के आगे ना बढ़ा दो, घबराओ मत, आचार्य है ना। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये किस बात की सूची बन रही है? तुम नहीं समझोगे, बड़े हवन की सूची बन रही है। मैं सब समझ रहा हूँ, आप दोनों महाराज को लूटने की सूची बना रहे हैं। क्या कहा है? नहीं, कहने का अर्थ है कि यदि इस सूची का सामान महाराज से लेना है तो अभी तुरंत निकलना होगा। नहीं, वो क्या है कि महाराज कल विजयनगर से बाहर जा रहे हैं ना, इसलिए। महाराज इसे ये भी बताने लगे कि वो कहाँ जाते हैं, मतलब इसने महाराज का विश्वास जीत लिया है। चलो अच्छा है, तब तो सुदामा सत्य कह रहा है, हमें शीघ्र ही निकलना चाहिए। जी अन्ना, चलिए। कृष्ण देव राय, अपनी अंतिम सांसें गिनना आरंभ कर दो। सभी तो एक समान प्रतीत हो रहे हैं, किसके पास जाऊं, कौन मेरी सहायता करेगा, कौन मेरी कठिनाई बढ़ाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शारदा तुम भी देखो, यदि तुम्हें कोई संकेत समझ में आ रहा हो तो। परंतु कैसे देखें, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बड़ा ही अंधकार है। रुको,
अब दिख रहा है। आंखों की पट्टी तो मैंने खोल दी, अब अपने मस्तिष्क की पट्टी खोलो और देखकर बताओ प्रथम कौन से खान को जगाना है और कैसे, कोई उपाय ढूंढो। इन्हें इनका रखा सामान नहीं मिलता, उपाय क्या मिलेगा बापू? खान? पर हमें तो यहाँ कोई भी खान नजर नहीं आ रहा। यही तो है समस्त खान, देखो इन्हें। ओह, तो इसमें से सोने वाला खान कौन सा है? केवल सोने चांदी की भाषा ही समझ में आती है ना, उपाय ढूंढो पहले। ये देखो सभी ताले तो एक जैसे ही दिख रहे हैं। दौलत खान ने कहा था सही क्रम में सही खान को जगाना है, अर्थात सही क्रमांक में सही संदूक को खोलना है, किंतु खोलना कैसे है? वही तो हम भी कह रहे हैं, हमें तो कोई भी संकेत दिखाई नहीं दे रहा, बात नकाशी दिखाई दे रही है। नकाशी? बापू ठीक से देखो, शारदा ने बाण अंधकार में छोड़ा है, परंतु लक्ष्य पर भी लग सकता है। नकाशी? हाँ। ये देखो शारदा, सभी संदूकों में ये बली खान तनिक पृथक लग रहा है। सभी नक्काशियों के कोने में लगी मणियां चमक रही हैं। केवल इसी की नहीं चमक रही। यही संकेत है बापू। इसका रंग उड़ गया होगा। नहीं बापू, यही संकेत है। कुंजी। बड़ा चतुर है दौलत खान, उसने जानबूझकर ये मिट्टी की कुंजी रखी ताकि गलत संदूक में लगाते ही टूट जाए और मार्ग सदैव के लिए बंद हो जाए। अर्थात हमें इन सब में से एक संदूक चुनना होगा। बड़ी जल्दी समझ में आया। हम तो है बुद्धिमती। अरे शारदा, बापू व्यंग कर रहे हैं। किंतु हमें ये ध्यान रखना होगा कि वो क्रमांक का पहला संदूक हो, अन्यथा कुंजी टूट जाएगी और हम सदैव के लिए यहीं फंसे रह जाएंगे। आओ देखते हैं। लोहा खान तो अत्यधिक भारी है और इसमें से धातु की सुगंध आ रही है, इसमें अवश्य हथियार होंगे। इस सोना खान में से इसको हिलाने डुलाने से चमचम की ध्वनि आ रही है, और देखिए छिद्र में से कुछ चमकता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अवश्य इसमें सोने चांदी के आभूषण होंगे। अक्कल खान में से दवात स्याही की सुगंध आ रही है, इसमें अवश्य पुस्तकें होंगी। बुखर खान में से भोजन की सुगंध आ रही है, इसमें अवश्य भोजन है। उठा लो। वही तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा संदूक उठाऊं। भोजन वाला? हे माँ, इसमें भोजन है। इसमें कुछ हल्का सा है। कहीं सूली खान में सूली चढ़ाने के लिए रस्सी तो नहीं है? बाप रे, पता नहीं सूली खान और बली खान में क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इनसे दूरी रहते हैं। पहले बुखर खान को खोलिए ना, बहुत भूख लग रही है। नहीं शारदा, मेरी गणना के अनुसार हमें पहले अक्कल खान को जगाना चाहिए, उसमें से ऐसा अवश्य कुछ मिलेगा जिससे मार्ग ढूंढने की अक्कल मिले, कोई ना कोई उपाय या नक्शा तो अवश्य मिलेगा। यदि नहीं खुला तो अक्कल खान को छोड़िए, बुखर खान को खोलिए, कम से कम भोजन तो मिलेगा, अन्यथा भास्कर भूखा रह जाएगा। शारदा को भूख लगी है बापू, खाना ऐसे है, ये मेरे नाम पे आक्षेप लगा रही है। मुझे सोचने दो शारदा, मैं जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकता।
महाराज के प्राण संकट में है। स्मरण कीजिए, जाते जाते दौलत खान ने क्या कहा था कि भोजन नहीं मिलेगा, तो बुखर खान को ही जगाइए ना ताकि भोजन मिले। अब जब तक यह दरवाजा नहीं खुलेगा ना तो तुम्हें पानी मिलेगा और ना ही खाना। धन्यवाद शारदा, तुमने स्मरण कराया, अब तक मैं निश्चित नहीं था। किंतु अब मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं कि प्रथम किस खान को जगाना है, अक्कल खान को या भुक्कल खान को। भुक्कल खान को ही जगाना है, यही तो मैं चाहता हूं। भुक्कल खान को जगा रहे हैं ना आप? अक्कल खान को। तुम नहीं समझी शारदा, किंतु मैं समझ गया। जाते जाते दौलत खान ने भोजन वाली बात कहकर ये सुनिश्चित कर दिया था कि हम पहले भोजन वाला संदूक ही खोलें। ये उसकी चतुराई थी, ताकि हम गलत संदूक चुने और हमें बाहर जाने का मार्ग कभी ना मिले। किंतु मेरे विचार से हमें सबसे पहले पुस्तकाओं वाला संदूक ही खोलना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमें इससे बाहर जाने का मार्ग अवश्य मिलेगा। नहीं, इसमें तो केवल कुछ पुस्तकें और श्वेत पत्र ही है और कुछ नहीं है। कहा था ना हमने कि भुक्कड़ कान को खोलिए, अब ये पुस्तकें खाएंगे हम। हाँ क्यों नहीं, भोजन से यदि पेट की भूख मिटती है तो पुस्तकों से मस्तिष्क की भूख मिटती है। क्यों भास्कर? देखो भास्कर भी हाँ कह रहा है। हे माँ, इन्हें सद्बुद्धि दीजिए कि हमारे प्राण संकट में और इन्हें ज्ञान की पड़ी है। मुझे शीघ्र अति शीघ्र कुछ करना होगा। पता नहीं नकली रामा वहां क्या कर रहा होगा। ऐसी छाप छोड़ेंगे महाराज पे कि इन दोनों को त्याग के वो हमारे प्रशंसक बन जाएंगे। इस बार ऐसा हाथ मारेंगे, एकदम धन से संपन्न हो जाएंगे। आज तो कुछ भी हो जाए, कार्य संपन्न करके ही रहूंगा कृष्णदेव राय का। रुकिए, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, महाराज विश्राम कर रहे हैं। हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री अन्नाचार्य को भी रोक रहे हैं आप। हाँ तो प्रणाम गुरुवर। बड़ी महारानी, छोटी महारानी, ये हमारे ज्येष्ठ भ्राता। प्रणाम। आप प्रथम बार विजयनगर में आए हैं, आपका स्वागत तो हमारी गुड़ और अदरक वाली खीर से होना चाहिए। अवश्य लीजिए। हमारा कहने का अर्थ, भैया मीठा नहीं खाते। क्या कह रहे हो मुन्ना, हमें तीखा पसंद नहीं है, मीठा तो अच्छा लगता है। लीजिए खाइए। जितना रोक ले मुन्ना, गए काम से अन्ना। अन्ना निगलना पड़ेगा, अन्यथा संकट बढ़ जाएगा। निगल लो। मुन्ना, हमें स्मरण हुआ है कि वैद्य जी ने हमें मीठा खाने के लिए मना किया था, इसलिए तुम रोक रहे थे हमें। नहीं, हमारी खीर तो आयुर्वेदिक गुणों से परिपूर्ण है, किसी भी व्याधि में खाई जा सकती है। लीजिए आनंद लेके खाइए, बहुत स्वादिष्ट है। खाइए। मजा आ गया हुजूर, मजा आ गया। अब आप अगर चुनौती हार भी गए
तो कोई समस्या नहीं होगी। आप बकरे हो तमाम। हाँ हुजूर, आपका सुदामा तो बड़ा तेज निकला। जल्दी बोलो क्या है। अरे वो तो आज ही कृष्णदेव राय को ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ा है, और कल सुबह अगर पंडित रामाकृष्ण आपको चुनौती में हरा कर चला भी गया तो कृष्णदेव राय की मौत का सीधा इल्जाम उस पे आएगा। अब तो जीत भी आपकी और पट भी आपकी। सुना सुना आपने, सुदामा महाराज को बांधने निकले। तुम्हें क्या लगता है कि एक चाबी मिल गई तो ये रामा यहाँ से निकल जाएगा? अगली पहेली हल करना तो दूर, वो ढूंढ भी नहीं पाएगा कि अगली पहेली छुपी कहाँ। उपाय इन्हीं पुस्तिकाओं में है। ये पुस्तिका पहले खोली गई है। वो ढूंढता रह जाएगा और उसे कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लिखा हुआ है, रेशम धा, और कुछ शब्दों को मिटाने की भी कोशिश की गई है। हो ना हो इन शब्दों में ही चाबी तक पहुंचने का मार्ग होगा। किताब पन्ना धागा पीला काली लाल, लाल किताब पीला किताब काली काली किताब काली किताब काली किताब, लाल पन्ना पीला पन्ना, लाल पन्ना पीला पन्ना, लाल धागा पीला धागा। ये पुस्तक तो खाली है। पीला पन्ना पीला पन्ना, अब केवल लाल धागा मिलना शेष है। धागा लाल धागा लाल धागा लाल धागा लाल धागा लाल धागा। संदूक खोलोगे बापू? अब किसे जगाएंगे? आप कृपा करके बुक्कर खान को ही जगाना, बहुत भूख लगी है। शर्ता हाँ, मैं बुक्कर खान वाले संदूक को ही खोलूंगा। खाएंगे नहीं तो जीवित कैसे रहेंगे, और जीवित नहीं रहेंगे तो यहाँ से निकलेंगे कैसे? हाँ? हाँ? पहली मिलेगी ही नहीं तो संदूक खुलेगा ही नहीं। बुक्कर खान भूख मिटाएगा। संदूक तो खुल गया जनाब। हमारी नहीं, भास्कर की। अगले संदूक की कुंजी भी इसी में से मिलनी चाहिए। उठा लो। अरे कुंजी मिले तो उठाओ ना। हमने कहा वड़ा उठा लो, इसके पश्चात पता नहीं भोजन मिले या ना मिले, जी भर के खा लो। नहीं भास्कर तू भी खा। में भी नहीं है कुंजी, कहीं मैंने गलत संदूक तो नहीं खोल दिया ना? Thank you.
सिंहासन छोड़ने का समय आ गया है कृष्णदेव राय।